सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, शिक्षक बहाली का रिजल्ट की सीटें जो है वो अभी बची हुई है, जारी होगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट। वहीं संबंधित जिलों के डीईओ ने शिक्षा विभाग को पत्र भेजा है, बड़े पैमाने पर फिर से स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली हो गए। आयोग जारी करेगा एक और रिजल्ट, इंतजार खत्म होने वाला है क्योंकि डीआई टू का सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। जारी वन में जो कठिनाई आई, कई बार अभ्यर्थियों ने त्रुटियां की उसके कारण से भी जो कठिनाई आई, इस बार हम लोगों ने उस पर पहले से कदम उठाया था और उसके भी साकार परिणाम निकल रहे हैं और यही कारण है कि हम लोग इस बार फास्ट कर पा रहे हैं। जी लग रहा है कि कंटिन्यूटी बनी रहेगी। बिल्कुल, अब तो हमने एक सिलसिला तैयार कर दिया है, हमारे सारे होमवर्क हो गए हैं, जो शिक्षा विभाग का जो निर्णय है वो हमें संसूचित है और हम उसी के हिसाब से करेंगे, परीक्षा फल भी घोषित करते जाएंगे। लगभग कितनी संख्या होगी? वैसे हिमालय से वही पालन किया जाएगा, उससे इधर उधर कुछ नहीं हो सकता। ये आयोग की मजबूरी है कि मल्टीपल रिजल्ट देंगे और उसके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि 40 अभ्यर्थी इस बहाली में काफी इंटर कर गए हैं और कहीं ना कहीं उनको हटाया जाए और इसको लेकर रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाए। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव हैं। निश्चित रूप से रिवाइज रिजल्ट तो होना ही चाहिए, जो बीच बीच में संशोधन किए गए, हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स को समाप्त किया गया है वो कहीं ना कहीं सुनियोजित साजिश के तहत है और इस पर विचार होना चाहिए और सरकार की बंठाधार हो जाएंगे। जिस तरह से उदंडता के साथ पेश आ रहे हैं, ये अब सरकार रहेगी नहीं, अब नीतीश कुमार के खत्म होंगे। भाषा विषय में परिवर्तन किया गया, फर्स्ट पेज की बहाली में उसका मार्ग सेट होता था, सेकंड पेज की बहाली में उसका मान्यता ही खत्म। के सुनियोजित साजिश के तहत बिहार के बच्चों को दबाने के लिए इस तरह का बीच में प्रयास किया गया। हेलो, तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है यूपीएससी बहुत ही जल्द टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के लिए तैयारी में जुटा हुआ है। आप लोगों को यह भी मैं बता दूं दोस्तों, यूपीएससी अध्यक्ष के द्वारा कटाप को लेकर भी चिंता जाहिर किया गया है। यहां पर आप लोग देख सकते हो कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन। इसके अलावा मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहता हूं, पदों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो सकता है। कहने का मतलब है कि 14,000 के समथिंग जो पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना है, अब नई अपडेट मिल रही है कि काफी ज्यादा पद और वैकेंट हुए हैं। पूरी संभावना है कि और भी दोस्तों करीब 8,000 से 10,000 समथिंग पोस्ट पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट घोषित करने के लिए टीआरई 2 का विभाग आदेश दे सकता है आयोग को। जल्द ही आप लोगों का ये भी पक्की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट कहने का मतलब है कि आप लोगों का आ सकता है। फिलहाल 14,000 के समथिंग पोस्ट पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो डेफिनेटली बहुत ही जल्द घोषित होने वाला है। विद इन 1 वीक के अंदर कभी भी रिजल्ट घोषित हो सकता है। संशोधित रिजल्ट की जो लोग मांग कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष बिहार बीजेपी के, तो दोस्तों आपको स्पष्ट रूप से बता दें यहाँ पे कि जल्द से जल्द जो है आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो जारी हो सकता है। क्षेत्रीय आरक्षण से पुरुषों से ऊपर भी चला जा रहा आरक्षित महिलाओं का कट ऑफ, अतुल प्रसाद जी ने ट्वीट करके जानकारी दी थी। और स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि भाई अब जल्द से जल्द आपको एक गुड न्यूज़ मिलेगी। और जहां तक 14,000 सीटों की बात की जा रही थी, अब सीटें और बढ़ रही है क्योंकि अलग अलग, मैं आपको बता दूं कि अलग अलग जिलों से जो है अब कहीं ना कहीं फर्जी अभ्यर्थी पकड़े जा रहे हैं। लगातार फर्जी अभ्यर्थियों के पकड़े जाने के कारण सीटें वेकांट हो रही हैं और आप अनुमान लगाइए कि इन खाली सीटों पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होकर रहेगा। दोस्तों छुड़ी में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।